नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार से सवाल, अतीक अशरफ की गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। बिना शिकायत के खुद संज्ञान लेकर करें कार्यवाही, एससी ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। समलैंगिक विवाह को लेकर संत समाज में रोष, 428 से ज्यादा जिलों में डीएम सौंपेंगे ज्ञापन। कर्नाटक के परिवहन मंत्री का दावा, जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण क्षेत्र में बीजेपी को प्रभावित नहीं करेगी। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जारी समन खारिज, कोर्ट ने कहा यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस को मिलेगी कम से कम 150 सीटें, कलबुर्गी में 50,000 रोजगार देंगे। वरिष्ठ नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेलवे किराया में रियायतों की बहाली वाली याचिका खारिज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गहराया जल संकट, बांधों में बचा सिर्फ 35% पानी। तमिलनाडु के चेन्नई में भाजपा नेता की पीट पीट कर की हत्या, 9 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। प्रदर्शन में क्रिकेटर्स का साथ न मिलने पर बोली विनेश फोटगार, दिल तो उनके पास है ही नहीं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।